नमस्कार दोस्तों, अभिमान कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है और अनुभव कहता है कि समय पर धूल की भी आवश्यकता पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आपके राशिफल के बारे में। आज आपका 29 दिसंबर दिन शुक्रवार कैसा रहने वाला है, आपको आने वाले समय में किन चीज़ों से सावधान रहना होगा, और आप सभी को बता दूं कि आने वाले समय में वो कौन सी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आज आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, और इसके साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। यदि दोस्तों आप भी अपनी राशि जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखें। आज शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी का दिन है। दोस्तों कमेंट में जय लक्ष्मी माँ जरूर से लिख देना। दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट जरूर करें। बात करते हैं अब आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग है 29 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार। आज की तिथि है द्वितीया। आज का नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। दोस्तों आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 7:04 पर। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 5:33 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 12:12 से दोपहर 12:57 तक रहेगा। यदि दोस्तों आपको कोई भी शुभ काम करना हो तो इसी समय करें, ये आपके लिए शुभ होगा। और इसके साथ ही साथ आज का अशुभ समय है दोपहर 1:24 से दोपहर 2:43 पर। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 3 और लकी कलर है गोल्डन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के खास राशिफल के बारे में, कैसा रहेगा आपका दिन, आइए जानते हैं। दोस्तों सामाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी, नए दायरे बढ़ सकते हैं, बिजनेस में आप लोगों को काफ़ी लाभ होगा, आपको अधिक वेतन की दूसरी नौकरी प्राप्त हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार की परिस्थितियों में बदलाव आएगा। दोस्तों इसके साथ ही साथ आपका व्यापार पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा चलने वाला है, आपको बहुत अधिक धन प्राप्त होगा। आप अपने जीवन के सभी नियमों का पालन करें और नियमों को ना मानने पर या उल्लंघन करने पर आपके माता पिता आपसे कुछ नाराज हो सकते हैं, इसलिए अपने बड़ों या फिर अपने परिवार के लोगों के द्वारा कही गई हुई बातों को आप अहंकार ना समझें, वह आपकी भलाई के लिए ही कोई बात कहेंगे। किसी प्रकार के मामले का निर्णय करने में जल्दबाजी ना करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। पहले सभी पहलुओं पर निगरानी करें, उसके बाद इसी प्रकार का कोई एक फैसला करें। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आपके घर में आपके बच्चों का स्वास्थ्य कुछ खराब हो सकता है, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। आप भोले बाबा को कुछ मीठा बनाकर चढ़ाएं, ये आपकी सभी परेशानियां दूर करने में काम करेगा, आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। दोस्तों आज आप अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, जहां पर आपके बच्चे बहुत अधिक मौज मस्ती करेंगे। आप किसी चैरिटी में सहयोग करने से पीछे ना हटें, ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी आप हमेशा करते रहें। अपने घर के लिए कुछ अच्छे सामानों की खरीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत अधिक संतुष्टि होगी, परंतु आप अपने करियर को बनाने के लिए और अधिक पढ़ाई करें और सफलता की प्राप्ति करें। आपकी सेहत की बात करें तो आज आपको दांतों के दर्द से परेशानी हो सकती है, आप डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाएं या अपने परेशान करने वाले दांत को उखड़वा दें। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपको आपके ऑफिस में काम ना बनने पर आपके ऊपर मानसिक दबाव हो सकता है, जिसके कारण आप कुछ परेशान नजर आएंगे। आप बस मेहनत करते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो दोस्तों रियल इस्टेट में व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज नए प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकते हैं। इन प्रोजेक्ट को पूरा करने के माध्यम से आपको अच्छी कमाई होगी। दोस्तों आपको बहुत अधिक धन की प्राप्ति होने की भी संभावना है। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों को आज बहुत अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है,
जिसके कारण आप बहुत अधिक परेशान हो सकते हैं, परंतु आपस में राहत मिलने की संभावना दिख रही है। आपको आपके माता पिता के मार्गदर्शन से घर की सुख सुविधा में वृद्धि हो सकती है। उनके निर्देश के अनुसार आप अपने घर के लिए कुछ अच्छे सामानों की खरीदारी कर सकते हैं। यदि आप किसी नए स्थान पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको नए लोगों से संपर्क बनाने में थोड़ा समय लग सकता है। विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत अधिक संतुष्टि होगी, परंतु अपने करियर को बनाने के लिए और अधिक पढ़ाई करें और सफलता की प्राप्ति करें। आपकी सेहत की बात करें तो दोस्तों, आज आपको दांतों के दर्द से परेशानी हो सकती है। आप डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराएं या अपने परेशान करने वाले दांत को उखड़वा दें। दोस्तों, परिवार के विवाद के बीच में पड़ेंगे तो स्थिति और अधिक खराब हो सकती है। दोस्तों, सेहत के बारे में बताऊं तो अपनी सेहत के मामले में थोड़ा सतर्क रहें। पैरों में जलन और किसी प्रकार की एलर्जी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। यदि शेयर मार्केट या फिर सट्टा मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं और आपने पहले कभी धन लगाया हुआ है तो उसमें आज आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आज का दिन थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो दोस्तों, आज आपको आपके ऑफिस में किसी ऐप पर या फिर घटना को लेकर मन में निराशा हो सकती है, जिसके कारण आप कुछ परेशान हो सकते हैं। परंतु आप थोड़ा सा सावधान रहें, अन्यथा किसी परेशानी में भी आप फंस सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो ऑनलाइन बिजनेस करने वाले जातक आज बहुत अधिक धन कमा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस की मांग बहुत अधिक बढ़ रही है। दोस्तों, आपकी मातृभाषा पर तो बहुत अधिक ध्यान बढ़ रहा है, परंतु आप और अन्य भाषाओं पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें। आप अगर अपना निजी वाहन चलाते हैं या किसी और के वाहन में सवारी करते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए, कोई दुर्घटना हो सकती है, शारीरिक चोट भी लग सकती है। यदि आपके पास परिवार में किसी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति है तो जल्दी ही हर समस्या का हल निकल आएगा और आपके परिवार में शांति का माहौल रहेगा। यदि आप अपने परिवार के विवाद के बीच में पड़े तो स्थिति और अधिक खराब हो सकती है। आज आपकी सेहत के बारे में बात करें तो आप अपनी सेहत के मामले में सतर्क रहें। पैरों में जलन और किसी प्रकार की एलर्जी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। यदि आप शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो दोस्तों, आपको पहले कभी धन लगाया हुआ है तो उसमें आज आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। परिवार की पारिवारिक एकता प्रदर्शित होगी और सारे काम आसानी से होते चले जाएंगे। यदि समाज की भलाई के लिए कुछ कार्य करते हैं तो आप समाज की भलाई के लिए सक्रिय रहेंगे। इससे आपका समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत अधिक बनी रहेगी। संतान की ओर से आपका मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, जीवन साथी का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा, परंतु अपने परिवार के किसी छोटे सदस्य को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो नौकरी में आज किसी भी तरह का ऑफिशियल फैसला लेने से बचें। आपका निर्णय लेना उचित नहीं रहेगा, कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने व्यापार में छोटे छोटे मुनाफे को इग्नोर ना करें। कभी कभी छोटे मुनाफे से ही बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको अपने मन से किसी प्रकार के नेगेटिव विचारों को बाहर निकालें और पॉजिटिव विचारों को अपनाएं। पॉजिटिव रहने से ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी भावभगत में बिजी रहेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको थकावट हो सकती है, बाहर के खाने पीने का परहेज करें, अन्यथा आपका पेट कुछ खराब हो सकता है। घर का बना हुआ शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन का ही सेवन करें, आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। संयुक्त परिवार के जातक एक साथ मिलकर चलें तो अच्छा रहेगा। इससे आपके परिवार की पारिवारिक एकता प्रदर्शित होगी और सारे काम आसानी से होते चले जाएंगे। दोस्तों, समाज की भलाई के लिए कुछ कार्य करते हैं तो आप समाज की भलाई के लिए सक्रिय रहें। इससे आपका समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत अधिक बनी रहेगी। संतान की ओर से आपका मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा, परंतु अपने परिवार के किसी छोटे सदस्य के भविष्य को लेकर आपको चिंतित हो सकते हैं। दोस्तों, सेहत के मामले में थोड़े छाले होने की समस्या हो सकती है, संभल कर चलें। अधिक मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करना लाभकारी होगा, दूध दही जल का सेवन लाभप्रद होगा। दोस्तों,
आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।